नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे आज ही कंडक्ट किए गए एक टेस्ट को लेके। यह है DRDO द्वारा बनाए गए हेलिना और ध्रुवस्त्र के बारे में। यह टेस्ट कंडक्ट किया गया है राजस्थान में, जो कि यूजर ट्रायल के अंतर्गत कंडक्ट किया गया है, जहाँ पे 4 हेलिना को फायर किया गया है। यहाँ पे हेलिना को ही एयरफोर्स वेरिएंट में ध्रुवास्त्र कहा जा रहा है और आर्मी वेरिएंट में हेलिना कहा जा रहा है। तो इसके 4 यूनिट फायर किए गए हैं ALSWSI से, यानी कि रुद्रा से। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये एक यूजर ट्रायल है, तो मिसाइल को लेकर जो भी क्षमता है उसका अध्ययन किया गया है, स्पेशली मिनिमम रेंज पर वो टारगेट को कैसे हिट करती है और मैक्सिमम रेंज पर टारगेट को वो कैसे हिट करती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर जो डेटा है वो देखे जाएंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है वो 7 किलोमीटर से ऊपर की होगी। मिसाइल को 4 मोड में फायर किया गया है, जिसमें टॉप अटैक क्षमता के साथ साथ जो डायरेक्ट हिट की क्षमता है उसको भी टेस्ट किया गया है। इसमें कुछ यूनिट में जो वॉरहेड है वो डाल के भी ट्रायल को कंडक्ट किया गया है। और जैसे भी रिजल्ट रहे हैं वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुकूल रहे हैं। यहाँ पर हेलिना और ध्रुवास्त्र को 2 रूपों में फायर किया गया है, हावरिंग कंडीशन में एंड फॉरवर्ड हेलीकॉप्टर से 2 तरह के टारगेट पे, स्टैटिक टारगेट और मूविंग टारगेट। तो यूजर ट्रायल के लिए जो चीज़ भी इंस्पेक्ट की जानी है वो आज इस ट्रायल को कंडक्ट करके इवेल्युएट किया गया है। यहाँ पे इसने एक मूविंग टारगेट को भी फॉरवर्ड पोजीशन से हिट किया है और स्टैटिक के लिए भी जो 2 मोड है वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है। यहाँ पे अगर बात करोगे हेलिना के सीकर की, जो कि DRDO के ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग 7 किलोमीटर तक जो LOAV है वो ये करने में सक्षम है, मतलब लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। टेक्निकली कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी जो आपका हेलिना है वो हेलीकॉप्टर पे माउंट रहेगा तो वहाँ से वो 7 किलोमीटर दूर टारगेट को लॉक करने में सक्षम होगा जो उसका सीकर है, तभी आप उसको LOAV बोल रहे हो 7 किलोमीटर दूर से। और ये चीज़ आपके इससे प्रीवियस सीकर में, यानी कि नाक के सीकर में नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो सीकर की रेंज थी वो मैक्सिमम 4 किलोमीटर का अराउंड थी आइडियल कंडीशन में। तो यहाँ पे सीकर में कुछ चेंज हुआ है क्या? तो पर्टिकुलरली सीकर में कोई चेंज नहीं हुआ है। सीकर को लेकर जो एल्गोरिथम है वो चेंज किया गया है, प्लस सीकर को कूल करने के लिए जो सिस्टम है प्रॉब्लम वो चेंज किया गया है। यहाँ पे जो कूलिंग है वो क्रायोजेनिक कूलिंग की जा रही है। जब आपका जो मिसाइल है वो पायलन पे माउंट रहेगा तो वहाँ पे फायर करने से पहले सीकर को कूल किया जाएगा क्रायोजेनिक एलिमेंट से। और जैसे ही आपका जो सीकर है एक बार कूल हो जाता है तो टारगेट का टेम्परेचर प्लस जो बैकग्राउंड का टेम्परेचर है उसको एक लंबी दूरी से ही डिफरेंशिएट करने में सक्षम होगा, मतलब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसको लेके जो पिक्चर है उसमें क्लैरिटी आ जाती है और बाकी का जो काम है वो जो आपके इमेज मैट्रिक्स हैं वो कर देंगे। तो ये तो बात हो गई आइडियल कंडीशन की। अब मान लो जो वेदर है वो काफ़ी ख़राब है, तो उस कंडीशन में पॉसिबली जो कमांड है वो आप दे पाओगे, क्योंकि जो भी आपको हेलिना की पिक्चर देखने को मिली है उनमें आपको RF डेटा लिंक क्लियरली दिखता है, जिससे कि आप जो कमांड है वो भेज पाओगे। हेलिना की बात करते हो, अभी ध्रुवस्त्र की बात करते हो, तो कुछ ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलता है जहाँ पे फ्रंट में ऑप्टिकल सिस्टम दिया गया है जो कि कवर करता है आपके IAR सीकर को प्लस CCD को। तो यहाँ पे जो CCD का एडिशन है वो बाद में किया गया है ताकि आपके सीकर की एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए। यहाँ पे जिंक सल्फाइड का डोम दिया गया है, इम्प्रूव करता है आपके ट्रांसमिशन को। इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डोम है वो इम्पोर्टेंट है। 2 तरह के यहाँ पे वॉरहेड दिया गया है। पहला जो आपका प्रिकर्सर वॉरहेड जो कि आपके सेक्शन 1 में दिख रहा है, उसी के जस्ट पीछे आपके जो भी प्रोसेसर हैं वो दिए गए होते हैं, मतलब जो भी चीज़ आपका सीकर देख रहा है उसको प्रोसेस करता है और सभी पिक्सल को साथ में रखता है। नेक्स्ट है आपका मेन वॉरहेड। पहला तो जो आपका प्रिकर्सर वॉरहेड है वो किसी भी टैंक के कवच को हटा देगा, जो मेन वॉरहेड है वो उसको भेदने का काम करता है। बेसिकली वॉरहेड के अंदर जो भी कॉपर एलिमेंट है वो मेल्ट होकर टैंक के आर्मर को भेदेंगे। उसके पीछे आप देखते हो तो यहाँ पे दिया गया है RF डेटा लिंक, यह हेलिना में एडिशन किया गया है जिससे कि ATGM को जो कमांड है वो दी जा सके, प्लस वो जो कुछ भी देख रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी, जिससे कि क्या होगा कि एक लॉन्गर रेंज में आप टारगेट को हिट कर पाओगे गाइड करके, अगर किसी वजह से जो ऑप्टिकल गाइडेंस है वो खो जाता है तो। उसके जस्ट पीछे जो सेंसर पैकेज है वो दिया गया है, जो कि मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री और उसके अवेयरनेस को लेकर काम करता है। फिर यहाँ विंग्स दिए गए हैं और बैटरी के साथ साथ जो सस्टेनर है वो दिए गए हैं, और मिसाइल के एंड पे जो जेट वेन कंट्रोल है वो दिया गया है, जो कि नया चेंज किया गया है हेलिना के ऊपर। पहले वाले हेलिना में TVC के रूप में दी गई थी, यहाँ पे जो नोजल थे वो फ्लेक्सिबल नोजल थे, यहाँ पे वो चीज़ जेट वेन के रूप में दी गई है। तो जिस तरह की भी आपको पिच अपग्रेड की रिक्वायरमेंट होगी और आपके फ्यूल के अंदर सॉलिड कंपोनेंट की मात्रा है उसको देखते हुए ही यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है थ्रस्ट को कंट्रोल करने को लेके। तो कुछ इस प्रकार का आपका हेलिना मिसाइल है। और इसी का जो एयरफोर्स वेरिएंट है जिसको आप ध्रुवास्त्र कह रहे हो, इनके यूजर ट्रायल खत्म किए गए हैं आज राजस्थान में, और अब ये प्लेटफॉर्म इंडक्शन के लिए रेडी है। और उम्मीद यही रहेगी कि जो भी आपके रुद्र हेलीकॉप्टर हैं उनके साथ साथ जो LCH हैं उन पर भी इनको इंटीग्रेट किया जाए। बात करोगे अगले टॉपिक को लेके, जो कि केनाइन वज्रा को लेके है, तो केनाइन वज्रा T का जो 100वां यूनिट है उसको कल फ्लैग ऑफ कर दिया गया था LNT के हैदराबाद फैसिलिटी से। हम सभी जानते हैं 2017 में LNT ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता था, जहाँ पे उनको 100 के नंबर में केनाइन वज्रा को मैन्युफैक्चर करने थे, और ये चीज़ उन्होंने तय किए गए टाइम से पहले डिलीवर किया है। यहाँ पे केनाइन वज्रा को लेकर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसको भेजा जा रहा है लद्दाख में, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में 3 के नंबर में जो K9 है उनको भेजा जा रहा है। वहाँ पे देखा जाएगा कि कितने कॉम्पैटिबल रहते हैं ये, और जो ऑपरेशन है परफॉर्मेंस है ऐसे ऑल्टीट्यूड में वो कैसे रहती है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर जो कंडीशन है वो आपके अनुकूल रहती है तो केनाइन वज्रा के और भी जो ऑर्डर हैं वो पॉसिबली किए जा सकते हैं।
क्योंकि इसके बाद जो आपकी फैसिलिटी है हजीराबाद में वैसी आइडल पड़ी रहेगी, तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं है कि उस वर्क फोर्स को आप वेस्ट करो, क्योंकि काफी हद तक वो ट्रेंड हो चुके हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो आ चुका है। तो पॉसिबली इसके जो और भी ऑर्डर हैं वो किए जा सकते हैं कि कुछ और यूनिट मैन्युफैक्चर करके लद्दाख में भेज दिया जाए। किनाइन वज्र को लेकर हम सभी जानते हैं कि जिसका वेट है वो 50 टन के अराउंड है, मतलब इसको मीडियम वेट कैटेगरी में डाल दोगे। प्लस यहाँ पे इस एसपीजी को लेके ये खासियत है कि ये जीरो रेडियस पे घूमने में सक्षम है, मतलब इसको मोड़ने के लिए आपको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गन फायर कर सकता है 43 किलोमीटर दूर टारगेट पे। तो इस तरह के अगर आप दो और यूनिट मैन्युफैक्चर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं एलएनटी को टाइम मिल जाएगा, जब तक कि उनका जो कॉन्सेप्ट है लाइट टैंक का वो पिक्चर में आता है तब तक उनको एक टाइम मिल जाएगा, अगर जो एडिशनल ऑर्डर हैं वो आ जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।